प्रिय सहपाठियों, मैं डॉक्टर एनके सोनी, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में सीनियर फिजिशियन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इंटरनल मेडिसिन विभाग का। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ कि शुगर के मरीजों में, खासकर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में, हम क्या शुगर को बिना दवाई के और बिना इंसुलिन के नियंत्रित कर सकते हैं कि नहीं। सवाल ये है कि हम अभी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को दवाइयों और इंसुलिन से ट्रीट करते हैं। हम इस विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या इन मरीजों में हम जीवन शैली के बदलाव लाकर बिना दवाइयों और बिना इंसुलिन के कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक रहेगा कि रिवर्सल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। सवाल ये रहेगा कि क्या हम कर सकते हैं, हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो व्हाई, व्हेन एंड हाउ, ये आज का विषय है। सबसे पहले हम आते हैं वाई पर कि हमें क्यों करना चाहिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल के लिए, जहां हम बिना दवाई के कर सकते हैं। सबसे पहले हम पूरे विश्व में और खासकर अपने भारतवर्ष में ये देखेंगे कि डायबिटीज किस तरह से प्रचलित है। सो ये मेरी स्लाइड बताएगी कि किस तरह से पूरे विश्व में और भारत में अभी डायबिटिक पेशेंट्स की स्थिति है और आगे आने वाले वर्षों में ये किस अनुपात में बढ़ रही है। लगभग ये एपिडेमिक का रूप ले रही है और इसीलिए ये इंडियन इंटरनेशनल डायबिटिक फोरम में ये जो नक्शा है ये उन्होंने दिया है, जो ये बताता है कि आगे आने वाले समय में, यानी 2045 तक 50% डायबिटिक पेशेंट्स के नंबर में वृद्धि होने जा रही है। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो आज अगर 70-72 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो आगे आने वाले कुछ सालों में इनकी संख्या बढ़कर 13.5 करोड़ के करीब हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट डबल। तो इनमें वृद्धि इंटरनेशनल डायबिटिक फोरम के सर्वे अनुसार करीब 84-85% की वृद्धि होने की संभावना है। तो इतना बड़ा नंबर अगर डायबिटिक पेशेंट का है तो हम उसे किस तरह से कंट्रोल करें, क्या सिर्फ दवाइयों से और इंसुलिन से, या हम जीवन शैली बदलकर और हम भोजन और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर क्या हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में बिना दवाई और बिना इंसुलिन के भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अगर मैं लूँ तो ये बताती है कि इंडिया में, भारतवर्ष में अभी डायबिटिक पेशेंट्स की कितनी संख्या है और आगे 2045 तक ये संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी। आप अगर इस स्लाइड में देखेंगे तो 2017 में अगर ये संख्या 7 करोड़ से ज़्यादा थी तो ये अनुमान है कि 2045 में ये संख्या बढ़ के 13.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी और भारतवर्ष में डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे में हमारा कर्तव्य, क्लिनिशियंस का कर्तव्य और बढ़ जाता है कि हम और तेज़ी से और एग्रेसिवली इस बीमारी को कंट्रोल करने में आम जनता और मरीजों की सहायता करें। मैं अगली स्लाइड अगर लूँ तो इसमें डेफिनीशन बताई गई है कि डायबिटीज़ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से इसको बताते हैं।
WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायबिटीज़ को इन 5-6 लाइनों में बहुत अच्छे से पूरा विवरण दिया है और उन्होंने कहा है कि डायबिटीज़ मेलिटस इसको हम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि पूरे शरीर में प्रक्रिया बदलती है उसका हम उसका परिणाम है और इसमें इटियोलॉजीज जो रहती हैं वो कारण जो रहते हैं वो शुगर बढ़ाने के उसमें चाहे कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का या फैट का, इन तीनों का पाचन जब डिस्टर्ब रहता है तो उसमें शुगर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें मुख्य कारण दो रहते हैं, एक या तो इंसुलिन का सेक्रीशन, इंसुलिन का रिसाव शरीर में कम हो या इंसुलिन का एक्शन उस हिसाब से पूरा प्रॉपर पूरा ठीक से ना हो। कई मरीजों में ये दोनों बातें मौजूद रहती हैं जहां इंसुलिन का सेक्रीशन भी कम रहता है और इंसुलिन का एक्शन भी कम रहता है और इन दोनों के परिणाम स्वरूप शुगर उन मरीजों में बढ़ जाती है। इस शुगर के बढ़ने से लंबे समय में जो असुविधाएं या कॉम्प्लिकेशंस इन मरीजों में बनती है वो दो तरह से, एक जो बारीक नसों में इसका असर पड़ता है जिसे हम माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं, उस माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से इनमें आंखों में असर पड़ता है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, नसों में असर पड़ता है जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं और गुर्दे पे असर पड़ता है जिसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। इन तीन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो जीवन शैली है वो मरीज की बहुत दुखदायी हो जाती है, इसलिए इनिशियल स्टेज शुरुआत में ही शुगर का टाइट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स की जो मृत्यु का कारण बनता है वो बड़ी नसों में जमाव की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के जमाव की वजह से और उसके स्ट्रक्चर उसके बनावट में फेरबदल होने से बनता है जिसको हम मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम जिसे हार्ट अटैक, ब्रेन में नसों की प्रॉब्लम जैसे स्ट्रोक या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या पैर की नसों में खून का जमाव जिससे पैर के कटने की भी नौबत आ जाती है, ये तीन मुख्य कारण मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बनते हैं जिसकी वजह से मरीज की मृत्यु तक हो सकती है डायबिटिक पेशेंट्स की। सो जहां मॉर्बिडिटी बढ़ती है वो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से और जहां मोर्टेलिटी बढ़ती है वो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से, ये WHO की पूरी डेफिनेशंस में है। ADA अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी 2019 में एक बड़ी क्रिस्प छोटी सी डेफिनेशन दी और उसमें उन्होंने यही बताया कि डायबिटीज एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल लंबी बीमारी है जिसमें के लगातार मेडिकल केयर की आवश्यकता है और जिनमें हर स्टेज पे शुगर कंट्रोल के साथ साथ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, लिपिड का कंट्रोल, लाइफस्टाइल, खान पान का कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो मोटा मोटा जो प्रैक्टिकली हमें याद रखना चाहिए, किसी भी क्लिनिशियन को याद रखना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन डायबिटीज़ को 4 तरह की डिजीज प्रोसेस में बांटता है जिसको हम कहते हैं Type 1 डायबिटीज़, Type 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और डायबिटीज़ किसी अन्य कारण से। इसमें अगर हम इसकी जड़ में पैथोफिजियोलॉजी में जाएं तो Type 1 डायबिटीज़ होती है बीटा सेल्स पेंक्रियाज में जो होती हैं उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से। Type 2 डायबिटीज़ होती है जिनमें
बीटा सेल्स से धीरे धीरे इंसुलिन का सेक्रीशन कम होने लगता है और जो इंसुलिन बनती है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाती। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जब किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में 3 महीने के बाद जहाँ पर उनको हाई शुगर का की पहचान हो सके और उसमें प्रेगनेंसी से पहले उस महिला को शुगर ना हो तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ का नाम देते हैं। डायबिटीज़ और अन्य कारणों से भी होती है जिसको के हम मोडी या एक्सोक्राइन पेंक्रियाज डिजीज, कभी भी पेंक्रियाज की नष्ट हो जाए या क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस हो जाए उसमें इंसुलिन का सेक्रीशन कम हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। और कई ड्रग्स या केमिकल्स भी पेंक्रियाज को नष्ट कर सकते हैं और उससे भी शुगर बढ़ जाती है, वो हम अदर कॉजेज में लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट समझने की स्लाइड है। इस स्लाइड में 2 सर्कल्स दिखाए गए हैं और ये 2 सर्कल्स अपने आप में इंटरैक्ट करके शुगर को बढ़ाने में सहायक होते हैं और जड़ होती है ये हाइपरग्लाइसीमिया और हाई ब्लड शुगर करने की टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में। तो इसे हम ट्विन विशियस साइकिल्स कहते हैं, जो एक साइकिल के गड़बड़ होने से वो दूसरी साइकिल को जन्म देती है और दूसरी साइकिल के गड़बड़ होने से वो पहली साइकिल को जन्म देती है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। हम अगर पहली साइकिल की तरफ ध्यान दें तो अगर आप इसको सबसे ऊपर देखोगे तो जो सबसे पहला कारण है इस शुगर के बढ़ने का वो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस से रहता है। यानी जब आदमी भोजन अपनी शरीर की आवश्यकता से अधिक ले या फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी वो करता हो, जितना भी दिनचर्या करता हो, उससे अधिक ले तो वो शुरुआत होती है कि जब ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा ऊर्जा जितना के वो उसे रोज़मर्रा के कारों में निकालता हो उससे ज़्यादा वो लेता हो तो वो अंदर इकट्ठी हो जाती है, वो पहली शुरुआत है। और उससे क्या होता है कि जितनी ऊर्जा आपने अपने दिनचर्या के कारणों में नष्ट करी वो तो लग गई, लेकिन जितनी अधिक आपने ऊर्जा ली वो फैट के रूप में, वसा के रूप में लीवर में जाके डिपॉजिट हो जाती है और वो फैटी लीवर को जन्म देती है। उस फैटी लीवर की वजह से जो लीवर से ग्लूकोज आउटपुट ब्लड में जाता है वो रुक नहीं पाता, वो बढ़ा रहता है। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज्ड हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। इंक्रीज हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन और इंक्रीज HGP वो एक बड़ा मुख्य कारण बन जाता है जिससे के ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी रहे। और इस ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ती है तो वो सिग्नल जाता है पेंक्रियाज में बीटा सेल्स को कि वो और अधिक इंसुलिन बनाए जिससे कि वो ब्लड में जो शुगर की बढ़ी हुई मात्रा उसको कंट्रोल कर सके। तो नेट रिजल्ट क्या बनता है कि फैट डिपोजिशन से लीवर का फंक्शन वो गड़बड़ा जाता है, वहाँ से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में जाती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती तो बीटा सेल्स पेंक्रियास से अधिक इंसुलिन बन के वो ब्लड में आती है। तो इंक्रीज्ड इंसुलिन प्रोडक्शन और हाइपर इंसुलिनिज्म ये एक मुख्य कारण हो जाता है जो कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ में बनाता है। दूसरी साइकिल पे अगर हम आएं तो फैट का डिपोजिशन, जब हमने अधिक भोजन लिया तो जैसे फैट का डिपोजिशन लीवर में होता है उसी तरह से वो एक्टोपिक फैट कहलाता है जो कि पेंक्रियाज में भी जाके जमा होता है। उस एक्टोपिक फैट की वजह से
और दूसरा हाई ग्लूकोज आउटपुट की वजह से बीटा सेल्स को अधिक काम करना पड़ता है और उस अधिक काम करने की वजह से बीटा सेल्स इतना अपना संयम खो देती हैं, इतना इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती जिससे के बीटा सेल्स डिसफंक्शन यानी बीटा सेल्स की काम करने की शक्ति क्षीण होने लगती है। जब बीटा सेल्स के काम करने की शक्ति क्षीण होती है तो उससे जो उनका इंसुलिन बनाने का जितना वो सक्षम है उतना इंसुलिन नहीं बना पाती। तो दो हमारे काम हो गए, एक इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा था जो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ बीटा सेल्स के धीरे धीरे क्षीण होने की वजह से उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन भी पूरा नहीं हो पा रहा था। इन दोनों क्रियाओं की वजह से ही शुगर बढ़ने लगती है और मरीज को डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है, इन मुख्य कारण को ही टारगेट करके एक ये सोच बनी कि क्या हम डायबिटिक पेशेंट्स में बिना दवाई के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इन दोनों प्रक्रियाओं को किसी तरह से कंट्रोल करके चलें। तो ये आगे आने वाली स्लाइडों में हम बता के चलेंगे कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या साक्ष्य, क्या क्या सबूत, क्या क्या एविडेंसेस हैं।